नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपका इंग्लिश मेंटर मोहित स्वागत करता हूं आपका अपने एसडी सैनिक स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एसडी मींस स्टूडेंट स्ट्रीम, जो करे हर हर एक बच्चे के सपने को साकार। और आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बच्चों। 28 जनवरी का एग्जाम है, सैंपल पेपर 2 की मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, उसको सॉल्व कराने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ पे आया हूँ बच्चों। तो यहाँ पे पहले छोटा सा हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि सर, जब आपने टॉपिक डिस्कस किया था सैंपल पेपर 2 में, सर आपने जब ये सैंपल पेपर 2 डिस्कस किया था तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे, पहले ये देख लेते हैं। सैंपल पेपर 2 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों, सबसे पहले किया था कॉम्प्रिहेंशन, कि ये कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने किया था इसमें एक और टॉपिक वॉइस के नाम से, जो कि हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमने यहां पे किया था बच्चा लोग क्वेश्चन टैग हमारा क्या होता है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन टैग। और इसके बाद हमने यहां पे किया था कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्या किया था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था। तो इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने समक्ष हम लोग लेके आ चुके हैं, तो फटाफट से आइए जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो बेटा, लगातार सेशन को शेयर कर दो, बता दो कि सैंपल पेपर आ चुका है, फटाफट से अपने आंसर चेक करो और देखो कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बच्चा लोग कोई दिक्कत है तो फटाफट से आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके बच्चा, तो पहला हम लोग यहां पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो यहां पे आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग यहां पे देखते हैं बच्चों, तो पहला यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे कॉम्प्रिहेंशन हमें दे रखा है, ठीक है बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन हमें दे रखा है यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कॉम्प्रिहेंशन, एक बार पढ़ेंगे इसको और मैं आपको यहां पे इसको अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, कि जो एंगर है, एंगर के ऊपर है, एंगर इज अ इंस्टेंट, व्हाट इंस्टेंट रिएक्शन, क्या है, एंगर इज अ इंस्टेंट रिएक्शन टू समथिंग डिस्ट्रक्टिव, मतलब कोई भी चीज का विनाश करने के लिए गुस्सा सबसे अच्छा होता है। जैसे क्या होता है लोगों को, जैसे किसी ने फोन नहीं उठाया, अब वहां पे क्या करेंगे, उठा के फोन भटाक से दीवार में मारेंगे, लो बेटा यहां पे दिक्कत, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कि अगर खाने की प्लेट में बाल, फटाफट से खाने को प्लेट फेंक देंगे, बहुत से बच्चों में गुस्सा होती है, तो अगर जब गुस्सा आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो विनाश का कारण बनता है। वैसे आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये स्लोगन बहुत बोला जाता है। सम पीपल से दैट इट इज द साइन ऑफ हीमैन, मतलब लोगों का कहना है कि जो साइन है ये हीमैन का, मतलब जो मैन होते हैं वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। इट इज द एसेंस ऑफ ग्रेट एक्शन, यस, बट वॉट काइंड ऑफ ग्रेट एक्शन, की इसमें कौन सी बड़ी एक्शन करने की बात है। इट इज डिस्ट्रक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट इज द रूट कॉज ऑफ मैनी फेटल डिजीज, मतलब क्या होता है कभी कभी जब बहुत सारी डिजीज हमें हो जाती है ना, तो उससे इरिटेशन होती है, और जब इरिटेशन हमारे अंदर होती है तो कहीं ना कहीं हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाता है, और जब गुस्सा ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं वो किसी का कारण बनता है, वो बर्बादी का कारण बन जाता है। इट लीड्स टू टेंशन विच इज द श्योर किलर, ठीक है। A man who gets angry suddenly gets heart attack equally suddenly, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो उसको अचानक से हार्ट अटैक आने की भी काफी ज्यादा चांसेस बच्चा लोग हो जाते हैं। इवन ब्रेन डैमेज कैन कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ एंगर, मतलब इससे क्या होता है हमारे ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो विजडम लाइज इन कीपिंग योर सेल्फ काम, तो विजडम कहता है कि अपने आप को थोड़ा शांति भी कर लेना चाहिए जिससे कि जो विनाश है वो निपट जाए। फिजिकल एक्सरसाइज कुड बी अ ग्रेट हेल्प, मतलब अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प करता है। इट विल रिमूव मच ऑफ योर टेंशन एंड एंगर टू, मतलब ये करता है आपकी बहुत सारी टेंशन को और एंगर को क्या करता है, दूर करता है। यू मे डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, द बेस्ट वे विल बी टू विजिट अ फ्रेंड और टॉक अवे योर एंगर, नेवर स्टे डाउन, कभी भी जब गुस्सा है तो अकेले मत रहो, मतलब बहुत गुस्सा करता है, अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी से कह करके अपना दिल हल्का कर दो। कहते ना कि रोने से अपनी बातें किसी से शेयर करने से बहुत ज्यादा दिल हल्का हो जाता है। That would be killing. Answer the following question. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, जरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि what is the primary emotional response associated with anger? तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, primary emotional response क्या होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप खुश होते हो गुस्से में, या आप शांत हो जाते हो, दुखी होते हो, या डिस्ट्रक्टिवनेस होता है, क्या होता है। यहां जो आंसर आएगा डिस्ट्रक्टिवनेस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब बताओ
अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाई डू सम पीपल कंसीडर एंगर एज द एसेंस फॉर ग्रेट एक्शन. बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए. ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, क्या इसका आंसर होगा बताइए. क्योंकि एंगर लीड्स हैप्पीनेस, की जो गुस्सा है वो खुशी लेकर आता है. बिकॉज एंगर इज अ साइन ऑफ विजडम, की गुस्सा होना एक बुद्धिमानी का साइन है. बिकॉज एंगर कैन लीड टू प्रोड्यूस एक्शन, क्योंकि क्या करता है जब गुस्सा होता है तो बहुत कुछ करने का करता है, किसी का मुंह फोड़ दो या फिर किसी को मार लो पीट लो, जो हमसे कुछ उल्टा बोल के क्या हो, ऐसे एक्शन आपके अंदर भी आते होंगे बच्चों. या फिर बिकॉज एंगर ऑलवेज रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. तो बताइए यहां पर क्या होता है, फटाफट से बताइए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग. What is the correct answer of this question? Tell me soon. The correct answer is option number C. कि जब गुस्सा हम लोग होते हैं, तो हमारे अंदर productive actions बढ़ जाते हैं. What can anger do the root cause of mentioned in the text? किस वजह से? मतलब किस वजह से गुस्सा ज्यादा आता है? Fatal diseases की वजह से, joyful moments की वजह से, peaceful relationships की वजह से, या intellectual growth की वजह से? बताइए, जल्दी बताइए. बताओ बच्चों किस वजह से? अगर आप खुश हो तो गुस्सा आएगा, या शांति वाला माहौल है तो कुछ आएगा? नहीं, सिर्फ फैटल डिजीज की वजह से भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है. समझ में आया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेइंग अलोन व्हेन एंग्री. बताइए क्या होता है हमारा आंसर, बताइए क्या आंसर होगा इसका. बताइए यहां पे होगा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेइंग अलोन व्हेन एंग्री. इंक्रीज्ड विजडम, क्या हम अकेले रहने में जब गुस्सा आता है और अकेले रहते हैं, क्या उससे हमारा विजडम बढ़ता है? या फिर इनहेंस सेल्फ कंट्रोल, हमने आपको सेल्फ कंट्रोल करते हैं, और डिक्रीज इन टेंशन, मतलब टेंशन कम नहीं होती, इवन बढ़ती है, टेंशन कम नहीं होती, डिक्रीज इन टेंशन, या फिर डेट्रीमेंटल एफर्ट्स ऑन द मेंटल हेल्थ. तो यहां पे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चे लोग, फटाफट से आंसर बताइए ए बी सी डी में से. यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से आंसर बताइए यहां पे हमारा क्या होगा. यहां पे हमारा क्या होगा कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे मेंटल इफेक्ट पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है. ओके, व्हाट इज सजेस्टेड एज अ कंस्ट्रक्टिव वे टू मैनेज एंगर इन द टेक्स्ट. बताओ क्या करना चाहिए, अब हमें जब बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ बच्चों, बताइए क्या करना चाहिए. हमें एंगेजिंग, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर हमें आइसोलेटिंग, मतलब हमें जैसे कोरोना में आइसोलेट नहीं होते थे वैसे खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, या फिर हमें सप्रेसिंग एंगर, मतलब गुस्से को कम करना चाहिए, या फिर से इग्नोर करना चाहिए. इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा एंगेजिंग इन अ फिजिकल एक्सरसाइज. मतलब अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके गुस्से को कम करने का कारण होता है. बच्चा लोग समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई वादा विवाद अड़चन दुख कष्ट तकलीफ है, ऐसी कोई चीज? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं. अगला पैराग्राफ हमारा कहता क्या है बच्चा लोग, अगला पैराग्राफ कहता है ये रहा, इसको पढ़ते हैं जल्दी से. क्या है भाई इसमें, कि रामा वेंट टू टेक ली ऑफ हिज मदर कौशल्या एंड शी वेप्ट एट द न्यूज ऑफ हर सन्स एग्जाइल फॉर 14 ईयर. ठीक है, सीइंग हिम शी फेल्ट वेरी सैड, शी कुड नाइदर से यस और नो, देन एट लीस्ट शी गैदर्ड करेज एंड सैड, यू हैव डन वेल My son, a father's command should be obeyed. Then Sita came to Rama and requested him to take her with him. देखो यहाँ पे क्या है कि राम ने जो राम को जो आदेश दिया गया था उन्होंने आदेश का पालन किया, उन्होंने वो ग्रहण कर लिया था जो उनको वनवास मिला था, और कहा अपनी माता से और रोते हुए बोले, she wept at the news. वो जब उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं वनवास जा रहा हूं, जो उनकी माँ थी कौशल्या जी, वो बहुत ज्यादा रोई कि उनके बेटे को 14 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, देश निकाला, मतलब वनवास दिया जा रहा है. सीइंग हिम शी फेल्ट वेरी सैड, ये सुनकर के, देख करके बहुत ज्यादा उदास होती है.
सॉरी शी कुड नाइदर से, मतलब ना तो यस कह पाई या फिर नो कह पाई. देन एटलीस्ट शी गैदर करेज एंड सैड यू हैव डन वेल माई सन, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा साहस इकट्ठा किया और बोला कि बेटा जो तुम्हारा फैसला है वो बहुत अच्छा है. इफ फादर कमांड शुड बी ओबेड, मतलब जो अपने फादर की जो कमांड होती है उनका जो कहना है हमेशा उसको ओबे करना चाहिए. देन सीता, सीता राम के पास आती है और बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो. कौशल्या's heart broke when she saw the tender सीता, लीव हर विद मी. जैसे ही कौशल्या ने उनका स्टेटमेंट सुन दिया कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, कौशल्या बुरी तरीके से टूट जाती है. शी सेड टू राम सीता इज सो डेलिकेट एंड शी कैन नॉट बियर द हार्डशिप ऑफ फॉरेस्ट लाइफ. तो वो बोलती है कौशल्या जी कि सीता बहुत नाजुक है, वो इस जंगल के मोहमाया में नहीं रह पाएगी, उसको बियर नहीं कर पाएगी. बट सीता वुड नॉट लिसन टू एनी रीजन ऑफ एक्सप्रेस हर अनविलिंगनेस टू स्टे अवे फॉर हर हस्बैंड. तो उसने बोला कि मैं अपने पति से दूर नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने पति के साथ जाना है. कौशल्या हैड टू एग्री टू सेंड हर विद राम, कौशल्या रेडी हो गई उन्हें राम के साथ भेजने के लिए. लक्ष्मण ऑल्सो केम टू राम एंड जॉइंड हिम, मतलब जैसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार होते हैं, माता सीता और भगवान राम, वैसे ही लक्ष्मण भी आ जाते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा. द थ्री ऑफ देम देन डिपार्टेड फॉर द फॉरेस्ट. अब यहाँ पे क्या होता है, वो तीनों फिर क्या होते हैं, फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं. अब चलो फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में. ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड कौशल्या वीप व्हेन शी हियर द न्यूज ऑफ राम एग्जाइल, बताओ मतलब कौशल्या क्यों रोई थी, क्यों रोई थी जब उन्होंने राम के वनवास जाने की बात सुनी. शी वॉज हैप्पी फॉर हर सन, कि वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी. शी वॉज सैड टू सी हर लीव, मतलब उनको जाते हुए वो देखते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी. शी डिड नॉट केयर अबाउट हिज एग्जाइल, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे से तुम कहीं पे भी जाओ. या फिर शी वॉज एंग्री विद रामा, या फिर वो राम से गुस्सा थी. इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करो. बहुत बढ़िया तनिष्का बेटा, जल्दी से कमेंट करो. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया. इसका आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, शी वॉज सैड, वो बहुत उदास थी. टू सी हिज लीव, मतलब उसके जाते हुए देख करके उसे बहुत ज्यादा उदास हो रही थी. हाउ डिड कौशल्या फाइनली रिस्पॉन्ड टू राम्स डिसीजन टू ओबे हिज फादर्स कमांड, मतलब कैसे उन्होंने कहा, क्या कहा. सी स्कॉल्डेड हिम फॉर लिविंग, उन्होंने की जब उन्होंने बताया कि मैं वनवास जा रहा हूं, तो क्या कौशल्या ने उनको डांटा था, या फिर उन्होंने कहा था यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया अपने पापा की बात मान के. सी रिफ्यूज टू स्पीक टू हिम, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, या फिर उन्होंने उनको रुकने के लिए कहा, क्या कहा था बच्चों. रामायण तो आपने भी देखी होगी ना, रामायण तो क्या वो उनके कहने से रुक गए थे सीता माता और भगवान राम, या फिर वो चले गए थे. उन्होंने बोला था कि You have done very well. तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि तुमने अपने फादर की बात को माना है. Why did Sita want to accompany Rama into the forest? मतलब क्यों Sita want to accompany? वो उनकी कंपनी में साथ क्यों जाना चाहती थी forest? She wanted to explore the forest. उनको जंगल घूमना था. या फिर she could not bear to be separated from her husband, कि वो अपने husband से अपना separation बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कर नहीं पाएंगी. She wanted to visit her family, क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था. She wanted to help Ram find food, मतलब कि जंगल तुम चलो मैं तुम्हें खाना ढूंढ ढूंढ के दे दिया करूंगी, उन्होंने ऐसा कहा था. बेटा इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है. रामायण की पूरी बात चली, 22 तारीख को पता है ना राम मंदिर में स्थापना हो रही, भगवान श्री राम की वापस लौट रहे हैं, खुशी मनाना तगड़े तरीके से. तो शी कुड नॉट बियर टू सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, कि वो अपने पति से दूर नहीं रह पाएगी. तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे. अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हमसे क्या कहते हैं फटाफट से देखेंगे भाई. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाई डिड सीता वांटेड टू अकॉम्पनी राम इन द फॉरेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाई वाज कौशल्या कंसर्न अबाउट सीता गोइंग टू फॉरेस्ट विद हर राम, मतलब कौशल्या को क्यों दिक्कत हो रही थी कि सीता राम के साथ जा रही है, कौशल्या को क्यों दिक्कत हो रही थी, दिक्कत क्यों हो रही थी देखते हैं. ही थॉट सीता वाज टू स्ट्रांग टू फॉरेस्ट लाइफ, उन्हें लगता था कि सीता बहुत स्ट्रांग है वो आराम से रह लेगी. या फिर He believed Sita was too delicate for forest life, कि वो बहुत नाजुक है, बहुत मतलब कोमल जो बच्चे होते हैं ना उसके लिए. He thought Sita would enjoy the forest, कि वो enjoy करेगी. या Sita to stay with her, उन्होंने बोला कि सीता को मत लेके, सीता को मेरे पास छोड़ जाओ. तो क्या आंसर होगा जल्दी बताओ. उनको लगता था कि जो सीता माता है, जो उनकी बहू है सीता, श्री राम की पत्नी, उन्होंने बोला कि वो बहुत डेलीकेट है, कि वो फॉरेस्ट की लाइफ को जी नहीं पाएगी. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. समझ में आए मुझे बच्चे, समझ में आया बच्चा लोग. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है.
लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि हु एल्स ज्वाइंड राम एंड सीता ऑन अ जर्नी फॉर फॉरेस्ट, मतलब कोई और कौन आया था श्री राम और माता सीता को वहां पे जर्नी में ज्वाइन करने के लिए, बताओ क्या कौशल्या आई थी या फिर लक्ष्मण आए थे, भरत आए थे या फिर दशरथ आए थे, कौन आया था जल्दी से बताओ बच्चों, मतलब जंगल में कौन कौन गए थे, दशरथ कौशल्या और राम, राम सीता लक्ष्मण या फिर भरत सीता लक्ष्मण या फिर राम भरत और सीता, कौन गया था बताओ जल्दी बताओ, रामायण सभी ने देखी ना फटाफट से आंसर, तो बहुत लॉजिकल है। जी हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे किसने ज्वाइन किया था, श्री राम और माता सीता को लक्ष्मण ने ज्वाइन किया था, किसने ज्वाइन किया था, लक्ष्मण ने ज्वाइन किया था। चलो अब दूसरा टॉपिक हमारा था क्वेश्चन टैग, यहाँ पे बताना है यू डोंट लाइक कॉफी, बताओ यू डोंट लाइक कॉफी क्या आंसर होगा, यू डोंट लाइक कॉफी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। जी हाँ आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज डोंट का क्या बन जाएगा डू और सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस हमारा कैसा है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा पॉजिटिव, डू यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन छापते हैं बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है विच ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि विच क्वेश्चन टैग इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस ही कैन स्विम, बताओ भाई ही कैन स्विम कैन का क्या बनेगा बच्चों जल्दी से बताओ, कैन का हमारा क्या बन जाएगा कैंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा कांट बन जाएगा, क्या बन जाएगा कांट बन जाएगा, और यहाँ पे ही का क्या बन जाएगा ही का ही रहेगा क्वेश्चन मार्क, देखो कांट ही यहाँ पे क्या रखा है, कैन ही नहीं बनेगा, इजंट ही नहीं बनेगा, ही कैन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सभी आंसर करें बहुत शानदार बेटा। अगला है व्हाट इज द क्वेश्चन टैग फॉर द सेंटेंस दे वॉन्ट बी लेट, दे वॉन्ट बी लेट बताओ, दे वॉन्ट बी लेट वॉन्ट का क्या बन जाएगा बच्चों, वॉन्ट का यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा विल बन जाएगा, और दे को आगे ले आएंगे ऐसे ही, क्योंकि ऑलरेडी जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है यू लाइक चॉकलेट बताओ, यू लाइक चॉकलेट कौन सा टेंस है ये बेटा, ये टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का, यू लाइक चॉकलेट तो बोलेंगे डू यू, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डू यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उठा करके इसको पेस्ट कर देंगे यहां पे, देखो डू यू कहीं दिख रहा है, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए हमें मिल गया डू यू हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर शी इज गोइंग, बताओ जल्दी बताओ शी इज गोइंग क्या आंसर बनेगा, शी इज गोइंग हमारा क्या आंसर बनेगा जल्दी से बताइए, शी इज गोइंग हमारा क्या आंसर बनेगा, द करेक्ट आंसर इज शी इज गोइंग कैसा है बेटा पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाओ तो क्या बन जाएगा इजंट बन जाएगा, और शी का शी रहेगा इजंट शी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग आंसर यहाँ पे लगा लेंगे इजंट शी लगा लेंगे। ठीक है बच्चों लोग कोई दिक्कत परेशानी कोई वादा विवादा अर्चन दुख कष्ट तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं शीट और भी ज्यादा नहीं है, अगला पेज जल्दी से यहाँ पे चुन लेते हैं भाई, अब बताइए बताओ, चलो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बताओ बच्चों, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बताइए, लास्ट से स्टार्टिंग करते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 20 करिए, क्वेश्चन नंबर 20 करिए फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या होगा, डू नॉट प्लीज द रोड लिटर क्या आंसर होगा बताओ, हाँ जल्दी बताओ क्या आंसर होगा बच्चों फटाफट से बताओ, क्विकली आंसर देना है आपको, क्विकली आंसर देना है बताओ बच्चों, बेटा बताओ फटाफट से आंसर, आपको नहीं इतना आंसर देना जल्दी से, जल्दी आंसर तो कमेंट बॉक्स सभी के आने चाहिए, लगातार सभी के कमेंट आने चाहिए बच्चों, फटाफट से दो आंसर, बेटा इसका क्या होगा, इससे स्टार्टिंग करेंगे प्लीज से, एडवर्ब है ना बच्चों, एडवर्ब प्लीज से स्टार्टिंग करेंगे, प्लीज प्लीज को उठा करके रखेंगे, प्लीज बेटा कुछ ज्यादा बोलते हैं ना उसकी बात कहना मत माना करो, बहुत दिमाग खराब कर देते हैं प्लीज बोलने वाले, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि प्लीज आप ये काम कर लो, और जैसे आप उनका प्लीज कह के कहना मानते हो तो वो आपको और ज्यादा काम दे देते हैं। ठीक है ओके बच्चों, तो यहां पर देखते हैं प्लीज डू नॉट
लिटर द रोड, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट लिटर द रोड। 2143 कहीं पे बन रहा है? जी हाँ बिल्कुल बन रहा है 2143। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2143 बिल्कुल बनके तैयार हो रहा है। चलो यहां पे बताओ, प्लेस नोबडी पेरेंट्स टेक द कैन ऑफ, जल्दी बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ बताइए। कैसे स्टार्टिंग करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे नोबडी से, किसे करेंगे? नोबडी, नोबडी टेक, स्टार्टिंग ला लेते हैं नोबडी टेक। देखो 2424 बेटा, नोबडी टेक दो बन गए ना 24, इसको टेक लगा दो, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, नोबडी टेक टेक, ठीक है नोबडी, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, नोबडी टेक कैन फाइव द द, अरे फिर तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ ये नहीं बनेगा, रुक जाओ, इसका बनेगा नोबडी कैन टेक द प्लेस ऑफ पेरेंट्स। अब वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, नोबडी टू कैन सिक्स टेक फोर, 264 मिल रहा है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक ठीक है। द हमारा आएगा फाइव पे, प्लेस हमारा आएगा वन पे, 51 हमारा यहां पे मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फाइव और सेवन पे ऑफ आ गया, थ्री पे हमारा क्या आ गया, पेरेंट्स आ गए, ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, क्लियर है ना, देख लो फटाफट से। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, सिस्टर चॉकलेट लव माई एंड आइसक्रीम ईटिंग, बताओ आंसर, बताओ क्या आंसर होगा। यहां पे आंसर करेंगे कि माई सिस्टर, मतलब फोर से स्टार्ट करेंगे, माई सिस्टर लाइक्स, दे रखा है लव, 413 माई सिस्टर लव चॉकलेट्स, है ना चॉकलेट्स, और फाइव पे एंड ईटिंग आइसक्रीम, क्या ये फॉर्मेट का ही बन रहा है, 4132576। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले दो क्वेश्चन देखते हैं, 16 और 17, ये भी खत्म, अभी उड़ाने वाले हैं इसको। ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है बेटा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है ये, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां पे देखते हैं, एंड हिज वर्ड थॉटफुल कीप इज ऑलवेज जेंटलमैन ट्रू आ, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अ जेंटलमैन इज ऑलवेज ट्रू थॉटफुल एंड हिज वर्ड कीप, अ ट्रू जेंटलमैन इज ऑलवेज थॉटफुल एंड कीप हिज वर्ड, अ थॉटफुल जेंटलमैन नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू जेंटलमैन इज कीप हिज वर्ड एंड थॉटफुल, नहीं हमारा हो जाएगा अ ट्रू जेंटलमैन इज ऑलवेज थॉटफुल, जो अच्छा जेंटलमैन होगा हमेशा क्या होगा, विचारों, अच्छे विचारों वाला होगा, एंड कीप हिज वर्ड, और हमेशा अपने वर्डों को याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, चेक प्लीज डिटेल्स द फॉर वेबसाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लीज चेक द डिटेल्स, प्लीज चेक द, देखो नहीं, प्लीज चेक द वेबसाइट, चेक फॉर डिटेल्स, प्लीज चेक द वेबसाइट फॉर डिटेल्स, प्लीज चेक द वेबसाइट फॉर डिटेल्स, भाई डिटेल्स को, वेबसाइट को चेक करेंगे ना, ठीक है, प्लीज द वेबसाइट चेक, नहीं होगा हमारा क्या होगा, प्लीज चेक द वेबसाइट फॉर डिटेल्स, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी, सारे हो गए होंगे ना, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते बेटा वॉइस पे, वॉइस देख लेते हैं, वॉइस हमारा कहता क्या है, चलो दो क्वेश्चन तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनको उठा के मार देते हैं पहले। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है वॉइस में कि व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द कैट चेज द माउस, बताओ क्या आंसर होगा, द कैट चेज द माउस किसका है बेटा, पास्ट इंडेफिनेट का है, किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का है, ये किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का, किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का। अब यहां पे देखते हैं, द कैट चेज द माउस, हमारा क्या हो जाएगा, द माउस वॉज चेज बाय द कैट, समझ में आ रहा है बच्चों सभी को, समझ में आ रहा है ना, फटाफट से कमेंट करते रहो, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, क्या हो जाएगा, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। अगला है, विच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है भाई, जिसमें वाई नहीं आएगा ना वो हमारा हो जाएगा, जैसे देखो बाईस में भी ये काट देंगे, पहले तो दो हमने ऐसे काट दिए, मॉम वाज, मॉम वॉज बेकिंग द केक वॉज बेक्ड, ये भी नहीं होगा, मॉम वॉज बेकिंग द केक वॉज बींग बेक्ड बाई माई मॉम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट चलते हैं बच्चों,
नेक्स्ट लास्ट थ्री क्वेश्चन, हमने बोला ना 25 क्वेश्चन 25 मिनट, ज्यादा हमें टाइम लेना ही नहीं है बेटा, ज्यादा टाइम लोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपको भी और हमें भी, क्योंकि पेपर क्वालिफाई करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा ना। चलो अब यहां पे देखो, व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय जॉन, जब इज बीइंग लग रहा है तो ओनली पैसिव में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, जॉन इज राइटिंग द लेटर, बस हो गया बात खत्म, लो मार दिया सेंटेंस भाई, इज बीइंग है ना, तो इज वाला देखो, इस में है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, बताओ वो सेंटेंस फाइंड करें जो पैसिव वॉइस में है। भाई देखो बाई किसमें लग रहा है, छोटा सा मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में आपको वाई लगा हुआ मिलेगा, पैसिव वॉइस, जब आप लोग पैसिव वॉइस की बात करेंगे ना, पैसिव वॉइस की जब बात करेंगे, पैसिव वॉइस की जब बात करेंगे तो उसमें आपको बाई लगा हुआ मिल जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो सिंह का क्या है, संग और बाई लगा हुआ है, उठा के पटक दो कि बेटा तुम आ जाओ घेरे में, तुम ही हो हमारे आंसर, जाने दो तुम्हें फिर भी नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, भाई देखो बाई वाला तो हटा दो, ये नहीं रहा, द चिल्ड्रन एट द केक इज बीइंग भी नहीं होगा, विल बी नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन एट द केक, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े थे, रूल अच्छे से पढ़े थे ना बेटा, अगर सेंटेंस में ये सारी चीजें आ रही है, बी बीन बींग, ठीक है, बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ध्यान रखना पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में है ही नहीं है, ध्यान रख लेना, इतना सीख गए तो टेस्ट आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, क्विकली देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया आज के टेस्ट में। आज हमने कवर किया, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स ना ऊपर के ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस था, क्या था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस था, ऑर्डरिंग, हाँ जी क्या था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, क्या था, इन अ सेंटेंस था बेटा, क्या था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस था, समझ में आया। चलो ये हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया, आई होप कि आपको पूरा मॉक टेस्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब करते हैं अपने सेशन को एंड। ओके बच्चों, तो अब करते हैं सेशन को एंड, थैंक यू सो मच, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सेशन करने में, और अगर सेशन अच्छा लगा तो क्विकली इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है बच्चों, और 28 तारीख को एग्जाम है, प्लीज बेटा तैयार हो जाओ। और एक बात और, मैंने आज आपको बताया है यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ, बच्चों यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ मैंने आपको बताई है, तो एक बार इसको देख लेना, यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ कितनी गई है इस पर इसको देख लेना 2024 की, ठीक है बच्चों, लोग फटाफट से ठीक है देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए एसडी सैनिक स्कूल।